देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और 10 मार्च को उसके नतीजे सबके सामने आने हैं। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां ऐसा लग रहा है कि विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता दल से घबरा रहा है। विपक्ष के अंदर एक बौखलाहट देखने को मिल रही है, विपक्ष कहीं ना कहीं पिछड़ता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल्स ही नहीं बल्कि कुछ नेताओं के वहां पर पहुंच जाने से भी विपक्ष में यानी कांग्रेस पार्टी में एक बौखलाहट देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे इस बात को और भी पुख्ता माना जा रहा है। बता दें कि बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के उत्तराखंड पहुंच जाने से कहीं ना कहीं कांग्रेसी खेमे में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय के उत्तराखंड आने से उनके विधायकों को नुकसान है। जो विधायक या जो प्रत्याशी उनके जीत के सामने आएंगे, उनके प्रत्याशियों को तोड़ लिया जाएगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि कैलाश विजयवर्गीय के उत्तराखंड पहुंचने से कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है? क्या सच में कैलाश विजयवर्गीय इसी रणनीति के साथ उत्तराखंड गए हैं कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी जीतकर सामने आएंगे उनको सत्ता दल में आने का मौका मिलेगा, या फिर कैलाश विजयवर्गीय उनको सत्ता दल में शामिल करा लेंगे ताकि उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज हुआ जा सके? ये तो खैर 10 मार्च के बाद ही, नतीजे सामने आने के बाद ही इसकी तस्वीर ज़्यादा साफ हो पाएगी। हालांकि अभी तो सभी दल सिर्फ कुछ ना कुछ नतीजों को लेकर कयास ही लगा रहे हैं। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।